गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरो साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण 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 नारायण। आज 8 फरवरी है। आनंद रस रत्ना करके आज के पृष्ठ में जो प्रसंग लिया गया है वह उद्धव गीत, छोटी सी पुस्तक है। भगवान ने उद्धव जी को भेजा है तो उद्धव ब्रजगमन भी एक पुस्तक है। उसमें पूरा जो यहाँ रहे हैं ब्रज में उसका वर्णन है, कैसे क्या भगवान ने संदेश देके भेजा नंद बाबा यशोदा गोपियों के प्रति, पूरा का पूरा विस्तार में जो अध्याय के एक एक श्लोक को लेकर बहुत विस्तार में वर्णन है। अब जब लौट रहे हैं तो लौटते वक्त उद्धव जी के जो उद्गार हैं उसका नाम है उद्धव गीत। तो वो छोटी सी पुस्तक में महर्षि ने उन श्लोकों पर भी जो विस्तार में व्याख्या की थी, श्लोक वहाँ ज़्यादा नहीं है, तो उसी पुस्तक में से आज का पृष्ठ है। आज के पृष्ठ का शीर्षक है सत्संग बच्चों के लिए ज़्यादा जरूरी होता है। ये बात महर्षि आज के पृष्ठ में अंत में अंतिम पैराग्राफ में इसको लेंगे। इसके पूर्व उद्धव के बारे में जो ये प्रसिद्धि थी कि वो ज्ञानी हैं, तो वस्तु स्थिति भगवान को पता थी कि वो ज्ञानी जरूर थे पर परोक्ष ज्ञानी। परोक्ष ज्ञानी का अर्थ होता है अनुभवी नहीं। पंडित जैसे होते हैं, बनारस के पंडित, ये भी श्रोत्रिय होते हैं पर ब्रह्मनिष्ठ नहीं। ब्रह्मनिष्ठ शब्द प्रयोग करते हैं जो जिनको अपरोक्ष अनुभव हो। श्रोत्रिय का अर्थ है कि शास्त्रों के विद्वान। तो उद्धव जी भी अपने को ज्ञानी मानते थे पर भगवान को पता था कि वो ब्रह्मनिष्ठ नहीं है। तो ब्रह्मनिष्ठ में क्या कमी थी उनकी ब्रह्मनिष्ठा में, ये पता लगता है जब वो ब्रज में आते हैं। भगवान ने जानबूझकर उनको अपना संदेश देके ब्रज में इसलिए भेजा, एक तो भगवान के विश्वसनीय थे, दूसरे इनको ये जो अपने ज्ञानीपने का अभिमान था। संतों ने बताया है कि कभी कभी भगवान जब गोपियों के विरह में एकांत में दुखी हो जाते थे, अश्रु बहाते थे, तो उद्धव जी देखते थे और जब स्वस्थ होते भगवान तो बड़ा उलाहना देते थे कि आप जो हैं इस प्रकार गोपियों के प्रति जो विरह करते हैं और आप जो मुझे भेज रहे हैं कि उनको ये ज्ञान का संदेश देना, तो ये तो आप भी कर सकते थे, बल्कि आपको वो करना ही चाहिए था। वो आपके वियोग में इस प्रकार दुखी हो रही हैं, भगवान किस प्रकार क्यों विरह कर रहे हैं, तो उनको दुख हो रहा है इसलिए भगवान दुखी हो रहे हैं, ये तो उद्धव जी को पता था। पर उद्धव जी इसलिए उलाहना देते थे कि आप उनको ज्ञान दे सकते थे, वो ज्ञान आपने क्यों नहीं दिया। तो भगवान उद्धव जी को भेज के ये दिखाना चाह रहे थे कि गोपियाँ क्या हैं। बताते हैं कि 6 महीने से भी ज़्यादा उद्धव जी वहाँ ब्रज में रहे और उनको समझ में आया कि हमारा जो ज्ञान है वो किसी काम का नहीं है, यानी वो परोक्ष ज्ञान है। तो ये जो परोक्ष ज्ञान है जिसको राम भैया कहते हैं, यहाँ और यहाँ, यहाँ पे नहीं, तो वो उपदेश देने में तो काम आ जाएगा पर अपने शोक को, अपने
शंकाओं को अपना ही समाधान उससे नहीं हो सकता पूर्ण रूपेण। वो कब पता चलता है? जब भगवान ऐसी परिस्थिति जीवन में लाते हैं। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि महाराष्ट्र आज के पृष्ठ में शुरू कर रहे हैं, जब तक निर्गुण ब्रह्म से एकता की प्राप्ति नहीं हो जाएगी और जब तक आत्मा अतिरिक्त संपूर्ण प्रपंच बाधित नहीं हो जाएगा, तब तक संसार में कोई भी वस्तु शक्तिहीन है यह कहना सत्य से मुंह मोड़ना है। तो ये स्थिति किनकी है कि निर्गुण ब्रह्म से एकता है और आत्मा अतिरिक्त संपूर्ण प्रपंच बाधित है? ये तो ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों की स्थिति है। तो वो अगर कहें कि अब संसार में कुछ नहीं रखा है, तो उनका तो ये अनुभव है, क्योंकि संसार का जो नाम रूप है वो बाधित हो गया, यानी वो सच्चा नहीं है। और इसलिए नाम रूप के पीछे ही तो सब पागल हो रहे हैं। तो जब उनको पता लग गया कि नाम रूप सच्चा है ही नहीं, तो इसलिए उनके अनुभव में तो अब कोई शक्ति वाली वस्तु रही नहीं। जब तक नाम रूप सच्चा था तभी तक संसार में शक्ति थी। अब ये बिना अनुभव हुए कोई कहे कि भाई संसार की सब वस्तुएं शक्तिहीन हैं, तो ये कहना सत्य से मुंह मोड़ना है, यानी अनुभव तो है नहीं और हम कह रहे हैं कि संसार मिथ्या है, तो ये बेवकूफ़ी है, मूर्खता है। तो महर्षि कहना क्या चाह रहे हैं? उद्धव जी ने ये अनुभव किया जब वहाँ रहे ब्रज में, तो यह जो सगुण ईश्वर है यह आपके लिए शक्ति है। भगवान के श्री चरणों में जो अनुरक्ति है वह भक्ति है। भक्ति की परिभाषा क्या है? भगवान के श्री चरणों में राग हो जाना, प्रेम हो जाना। तो महर्षि कह रहे हैं कि वह यानी ये जो भक्ति है ये जीवन के लिए बहुत बड़ी शक्ति है। किस दृष्टि से? उसको इसी पैराग्राफ में समझाएंगे। आगे तीन बातें हैं, अगले वाक्य में तीन बातें लेके महर्षि विवेचन कर रहे हैं। एक, सिद्ध पुरुष का संकल्प। नंबर दो, मंत्र की स्वाभाविक शक्ति। सिद्ध पुरुष अपने शिष्य को, भक्त को जो मंत्र देते हैं, तो मंत्र में उसका जो अधिष्ठाता देवता होता है ना, मंत्र की अपनी जो शक्ति होती है, तो उसी शक्ति को सिद्ध पुरुष अपना संकल्प उसमें जोड़ के और अपने शिष्य या भक्त को देते हैं। तीसरा क्या है? हमारी श्रद्धा। तो ये तीनों मिलकर जीवन के सब कषाय कलमशों को मिटा देते हैं। अगर ये तीनों चीज़ें एक जगह आ गई, सिद्ध पुरुष का संकल्प भी है, मंत्र की स्वाभाविक शक्ति भी है, पर हमारी श्रद्धा नहीं है, तो वो काम नहीं बनेगा। हमारी श्रद्धा तो है पर कोई सिद्ध पुरुष मिला ही नहीं, है ना? ऐसा कोई मंत्र ही हमारे पास नहीं है जिसका हम अनुष्ठान कर सके, तब भी काम नहीं बनेगा। तो ये जब तीनों ठाकुर जी की कृपा से इनका जीवन में मिलना होता है, तो क्या चमत्कार होता है? सब कषाय कलमशों को मिटा देते हैं। जीवन में हमको ठाकुर जी से मिलने में रुकावट क्या है? हमारे ये जो कषाय और कलमश, कषाय कलमश किसको कहते हैं? कषाय कहते हैं राग द्वेष को, और कलमश में ये सब राग द्वेष के अलावा काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य जितने विकार गिनाए हैं, छः की बहुत बड़ी महिमा है क्योंकि इनको शत्रु गिनाया है। तो महिमा का अर्थ है कि ये सब कषाय कलमश जब तक जीवन से हटेंगे नहीं, तब तक ठाकुर जी का मिलना असंभव है। तो इनका मिट जाना यही तो हम चाह रहे हैं। तो ये कैसे होगा?
उसका सूत्र, उसका रहस्य महर्षि ने इस वाक्य में बता दिया। सिद्ध पुरुष का संकल्प होवे, मंत्र की स्वाभाविक शक्ति, उनके द्वारा जो मंत्र दिया जाता है उसमें तो शक्ति अंतर्हित होती ही होती है, और हमारी श्रद्धा, ये सबसे महत्वपूर्ण है। आगे की पंक्तियों में इस श्रद्धा को लेकर ही महर्षि विशेष रूप से बताएंगे। हम बड़े अनुभव से यह बात कह रहे हैं। क्या बात? कि सृष्टि में केवल शिक्षा से काम नहीं चल सकता, श्रद्धा का होना आवश्यक है। आजकल के पढ़े लिखे लोग कहते हैं ये सब अध्यात्म बकवास है, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो ये जो शिक्षा के ऊपर इतना जोर है, तो महर्षि ने अपने एक प्रवचन में कहा है कि जितनी चोरी, बेईमानी, व्यभिचार, झूठ, फरेब, ये सब जितना शिक्षित लोग कर रहे हैं, उतना तो ये बेचारे गांव के अनपढ़ और सरल लोग नहीं करते। ये तो सबसे ज़्यादा तो ये शिक्षा पाए हुए लोग करते हैं। बहुत गजब का वो प्रवचन है जबलपुर का। तो महर्षि को कहा जाता है कि ये सब जो है अध्यात्म को हटाओ, अब जो है शिक्षित बनाओ लोगों को। तो इसलिए महर्षि को ये कहना पड़ रहा है कि हम बड़े अनुभव से ये बात कह रहे हैं कि सृष्टि में केवल शिक्षा से काम नहीं चल सकता। जो सोच रहे हैं कि अध्यात्म की कोई ज़रूरत है ही नहीं, है ना, केवल शिक्षा से काम चल जाएगा, वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्यों? अगला वाक्य देखिए। यदि सृष्टि में से श्रद्धा मिटा दी गई तो सृष्टि में दुख की वृद्धि ही होगी। यानी दुख तो पहले से ही है, पर किसी कारण से हो रहा है। स्कूलों में पहले प्रार्थना होती थी, है ना, अपने ही बच्चे, हिंदुओं के बच्चे ईसाइयों के स्कूलों में प्रार्थना नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ अलाउ नहीं है। तो ये क्या हो रहा है कि इस श्रद्धा को मिटाया जा रहा है। मेकले करके एक व्यक्ति था, उसने बड़ा अनुसंधान किया कि भारतीय संस्कृति, इसकी जड़ें इतनी मजबूत कैसे है। तो उसने पता लगाया कि एक तो ये जो ब्राह्मण वर्ग है भारतीय संस्कृति में, और दूसरा ये जो इनमें संस्कार दिए जाते हैं, है ना, तो वो जो संस्कार हैं, वो संस्कार संस्कृत भाषा। तो उसने बहुत बड़ा अभियान चलाया कि पहले तो इस संस्कृत भाषा को ख़त्म करो, है ना, अगर हमको राज्य करना है और राज्य करके कुछ उपलब्धि यहाँ करनी है, तो उसका एक ही तरीका है कि ये भारतीय संस्कृति को समाप्त करने का, ये ब्राह्मण वर्ग इनके हृदय में ग्लानि हो जाए कि हमारा जो इस प्रकार से अध्ययन है वो किसी काम का नहीं रहा, इससे तो हमको नौकरी नहीं मिलती, इसका अब हम क्या करेंगे। बड़े बड़े विद्वान लोग अपने बच्चों को, है ना, विदेश भेज रहे हैं। ऐसे ऐसे ब्राह्मण, है ना, जिनकी बहुत बड़ी महिमा है, तो वो भी सोच रहे हैं कि भाई अब हमारे बच्चे संस्कृत सीख के क्या करेंगे। तो मैकले तो अपने अभियान में सफल रहा, और आज की क्या स्थिति है, स्वतंत्रता के 70 वर्ष बाद, है ना, भारतीय संस्कृति का ही, ये चिन्मयानंद जी महाराज वगैरह को ठाकुर जी ने ऐसी प्रेरणा दी कि अगर कुछ नहीं किया जाएगा तो अगले 40-50 वर्षों में, चिन्मयानंद जी के शब्द हैं, लोगों को पता ही नहीं रहेगा कि रामायण क्या है, महाभारत क्या है, है ना, भागवत क्या है। अभी तो यहाँ तो भागवत की एक प्रकार की बाढ़ आई हुई है, पर वो बाढ़ किसी काम की नहीं है क्योंकि उसमें भागवत का लोप हो गया, है ना, सिर्फ मनोरंजन। तो ये सब ठाकुर जी की लीला है, पर कहने का अर्थ यह है, महर्षि कह रहे हैं कि यदि सृष्टि में से श्रद्धा मिटा दी गई तो सृष्टि में दुख की वृद्धि ही होगी। देख रहे हैं हम लोग घर घर में, आप किसी के साथ बैठो, बेचारा अपना सब रोना रो देगा, है ना, जहाँ भी जाओ बस यही, हमारा बेटा ऐसे हो गया, है ना, हमारी बेटी ऐसी हो गई, कोई कहना नहीं मानता। तो ये जो सृष्टि में दुख की वृद्धि हो रही है, इसके मूल में क्या है कि
श्रद्धा समाप्त है। भले पिताजी अपना रामायण का पाठ करते हैं, है ना, कुछ अपना जप वगैरह करते हैं, पर बच्चों को कोई मतलब नहीं। वो तो संध्या वंदन भी करते हैं, है ना, ब्राह्मण है, संध्या वंदन करना चाहिए। बच्चों को क्या है, कुछ नहीं, शराब पीते हैं ब्राह्मण के बच्चे। तो इसलिए जो हमारे हृदय में बनी बनाई श्रद्धा को बिगाड़ता है वह हमारी साधना का शत्रु है, ऐसे लोगों से बचना चाहिए। तो ये जो इस प्रकार कहते हैं कि भाई केवल शिक्षा से काम चल जाएगा, है ना, ये सब पोंगापंथी है, इसको हटाओ, ये सब, है ना, ये तो पंडितों ने अपनी जीविका के लिए सब बना रखा है, तो उस श्रद्धा को ही हटाया जा रहा है। तो हमारे हृदय में बनी बनाई श्रद्धा को जो बिगाड़ता है वह हमारी साधना का शत्रु है, ऐसे लोगों से बचना चाहिए। पंडित गया प्रसाद जी बड़े प्रसिद्ध उड़िया बाबा जी महाराज के शिष्य, ब्रज में उनकी बड़ी महिमा, वो कहा करते थे कि किसी के भी हृदय में किसी के भी प्रति श्रद्धा हो तो कलयुग में श्रद्धा का होना ही बहुत दुर्लभ है। अब भले हम ये जान रहे हैं कि उसकी श्रद्धा गलत जगह पर है, है ना, हमको प्रामाणिक रूप से पता है, फिर भी उस श्रद्धा को हटाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि श्रद्धा जो है वो उसका कल्याण करके रहेगी। कैसे? वो जिस हेतु से जुड़ा है उतना हेतु जब उसका पूरा हो जाएगा ठाकुर जी अपने आप हटा देंगे। कृपा विलास के स्वामी सत्यानंद जी महाराज कहा करते थे, इवन द फॉल्स महात्माज हैव ए रोल टू प्ले इन द सोसाइटी। समाज में ये जो गलत ढंग के महात्मा लोग हैं उनकी भी भूमिका है। अरे गलत ढंग के महात्मा, उनकी क्या भूमिका है? वो तो गड़बड़ पैदा करेंगे। बोले नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो उनकी क्या भूमिका है बताइए महाराज? टू कन्विंस दोज हु आर नॉट कन्विंस्ड बाय द जेन्युइन वंस। जो सच्चे महात्मा है ना, उसी व्यक्ति प्रभावित नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो तो अपना विरक्त रहता है, उसको तो कोई पड़ी नहीं है किसी की, है ना, वो तो लल्लो चप्पो किसी की करता ही नहीं है। देखा आप लोगों ने स्वामी रमणानंद जी को। तो ऐसे लोगों से जो प्रभावित नहीं होते वो किनसे प्रभावित होंगे? जिनके बड़े बड़े आश्रम हैं, है ना, गाड़ियाँ लेके घूम रहे हैं, जिनके चेला चेली हैं। तो देखा आप लोगों ने, डेरे वाले को देख लिया, आशाराम बापू को देख लिया। तो इन लोगों की फिर क्या भूमिका है? इनकी इतनी भूमिका है कि ये कम से कम जिन लोगों की श्रद्धा जुड़ेगी वो गलत कार्यों से बचेंगे, सन्मार्ग में उनको लगा देंगे, आगे चल के स्वयं वो जो चल रहा है उस मार्ग पे उसको पता लग जाएगा कि भाई हमको ये जो गुरु जी हैं उनसे इतनी प्राप्ति होनी थी, अब हमको इस मार्ग में और आगे बढ़ना है। तो कहने का अर्थ ये है कि जो हमारे हृदय में बनी बनाई श्रद्धा को बिगाड़ता है वह हमारी साधना का शत्रु है। डॉक्टर शर्मा और उनकी पत्नी आते हैं, अरे उनके तो हृदय में संकल्प हुआ कि हम स्वामी जी से मंत्र लें। अब ऐसे ऐसे लोग थे, बोले क्या गलती करने जा रहे हो तुम लोग, कुछ बुद्धि है कि नहीं तुम लोगों में, किसे मंत्र लेने जा रहे हो, वो कोई महात्मा है? तो ये बहुत गलत हो रहा है। क्या गलत हो रहा है? जो हमारे हृदय में बनी बनाई श्रद्धा को बिगाड़ता है वो तो ठाकुर जी की कृपा रही, वो विचलित नहीं हुए, मित्रों के या जो भी उनको सलाह दे रहे थे, है ना, तो वह हमारी साधना का शत्रु है। यानी जो गलत महात्माओं की हमको पता लगे कि भाई वो निंदा कर रहे हैं, उसकी बात छोड़िए, महाराज जी की निंदा करने वाले थे वृंदावन में, है ना, लवानिया जी करके उनके पास आते थे, वो स्कूल टीचर थे यहाँ वृंदावन में, उनके मित्र लोग कहते थे कहाँ जाते हो तुम, है ना, क्या पागलपन है। तो संक्षेप में इस वाक्य में महाराज जी इतना ही बता रहे हैं, है ना, श्रद्धा कहाँ है क्या है उसकी बात छोड़िए,
वो हमारा सोचने का मतलब विषय नहीं है। अगर उस व्यक्ति की श्रद्धा है कहीं भी क्यों ना हो, है ना, ये बहुत, इसलिए ये ऊपर का जो वाक्य है, तीनों मिलकर जीवन के सब कषाय कलमशों को मिटा देते हैं। सिद्ध पुरुष का संकल्प, मंत्र की स्वाभाविक शक्ति। अगर हमारी श्रद्धा है तो वो, यहाँ तक कि उड़िया बाबा जी कथा करते थे कि सिद्ध पुरुष नहीं भी है तब भी वो श्रद्धा इतना चमत्कार कर देगी कि हमारा काम बन जाएगा। और मंत्र की तो स्वाभाविक शक्ति होती ही होती है, तो इसीलिए वो हमारे कृपा विलास जी के सत्यानंद जी का वाक्य है कि ऐसे जो लोग हैं जो कि उस प्रकार उतनी ऊंचाई पे नहीं पहुँचे हुए हैं, है ना, भले अपनी दुकानदारी कर रहे हैं, अपनी जीविका निभा रहे हैं, है ना, पर फिर भी अगर किसी की श्रद्धा बनी हुई है तो उसको, बनी बनाई श्रद्धा को जो बिगाड़ता है वह हमारी साधना का शत्रु है। क्यों? क्योंकि प्रारंभ में उसकी जैसी वासना है वैसा ही गुरु उसको मिलेगा। हमेशा ध्यान रखना है, पूरी शंकराचार्य जी के बहुत अद्भुत वाक्य हैं, हमारी जैसी वासना होती है, है ना, वैसे ही व्यक्ति से हम जुड़ेंगे। कोई कोई ऐसे पूर्व जन्म के होते हैं योग भ्रष्ट कि सीधे पहले मोर्चे पर ही महर्षि जैसे महापुरुष मिल जाते हैं। हमको स्वामी चिन्मयानंद जी से हम जुड़े तो स्वामी चिन्मयानंद जी के बारे में उनका भी एक ऐसा मिल गया गुरु भाई, तो चिन्मयानंद जी का तो शरीर पूरा हो गया, खैर हम तो महर्षि के पास आ गए, पर हम गए थे गंगोत्री और वो स्वामी सुंदरानंद जी अभी शायद होंगे, उनका शरीर होगा, वो महाराज हमको सुनाने लगे उल्टा सूटा, तो हमको तो स्वीकार नहीं था क्योंकि हमने स्वामी चिन्मयानंद जी का जीवन देखा था। तो महाराज जी स्वयं उनके लिए कहते थे कि उनको वो चाबी प्राप्त थी और ये जो है वो उनकी निंदा कर रहा था। तो हमने कहा कि हम आपकी बात पर, आपकी बात हम नहीं मानते। तो कहने का अर्थ ये है कि श्रद्धा को बिगाड़ने वाले सब जगह रहेंगे, तो इसलिए महर्षि को कहना पड़ रहा है कि जो हमारे हृदय में बनी बनाई श्रद्धा को बिगाड़ता है, महर्षि तो यहाँ तक कहते थे कि वो तो कलयुग का दूत है, वो तो कलयुग का काम कर रहा है, वो हमारी साधना का शत्रु है, ऐसे लोगों से बचना चाहिए। ये बात अलग है कि हमको स्वयं आगे चल के ठाकुर जी प्रेरणा दें तो स्वयं आगे बतावेंगे कि अब किससे जुड़ना है। अज्ञानी से अज्ञानी, अब ये आगे का बहुत सरल है, क्या है कि उद्धव ब्रज गमन में, यानी उद्धव जी जब ब्रज में रहे तो उसमें क्या देखा उद्धव जी ने, उसी को महाराज जी अपने शब्दों में कह रहे हैं। अज्ञानी से अज्ञानी मनुष्य, अब गोपियाँ क्या थी, तो बिल्कुल गाँव की गवारिन थी, उन मनुष्यों द्वारा सच्चा भजन यदि उससे न बने, कैसे बनेगा सच्चे भजन में, तो ऐसे करो वैसे करो, पंडित लोग बहुत सारी बातें बताएंगे, है ना, तो अनुकरण रूप भजन करें, सच्चा भजन उनसे बनेगा नहीं क्योंकि बड़े नियम बताएंगे ऐसे करो वैसे करो, है ना, तो कोई बात नहीं, सच्चा भजन न बने कोई बात नहीं, अनुकरण रूप भजन करें। ये अनुकरण रूप भजन क्या है, जैसे महात्मा लोग सीताराम सीताराम बोलते हैं वैसे बोले, बच्चे क्या करते हैं अनुकरण करते हैं, है ना, जिद भी करते हैं कि हमको भी मंत्र लेना है ना, माता पिता को कहेंगे। एक बार महर्षि ने, महर्षि के शिष्य ने सुनाया, भंवरलाल मुंदड़ा करके आते हैं बंबई में रहते हैं, तो बोले कि स्वामी जी हमारा बच्चा अशोक छोटा था तो बोले कि हमको मंत्र लेना है, अब वो छोटा था तो हम करें भी तो क्या करें, ले गए विपुल में, वहाँ महर्षि के बम्बई में, बम्बई महर्षि रहते थे काफ़ी समय तक, तो बताया महर्षि को कि ऐसे ऐसे बड़ा जिद कर रहा है आपसे मंत्र लेना है। महर्षि ने एक वाक्य कहा, दोनों आश्चर्यचकित हो गए, उसके अशोक के माता पिता,
बोले अरे तुम ही लोग मंत्र नहीं कर रहे हो, हमारा तो ये बच्चा क्या करेगा। उनको समझ में नहीं आया कि महाराज को पता कैसे लगा, है ना। तो कहने का अर्थ ये है कि अनुकरण करते हैं बच्चे, बाद में वो लोग सावधान हो गए, बच्चे को दिया महाराज ने मंत्र, तो बच्चे क्या करते हैं, महात्मा लोग सीताराम सीताराम बोलते हैं, वो लोग भी वैसे ही करते हैं, है ना। नारद जी का वर्णन आया है भागवत में, बच्चे ही तो थे, माँ दासी थी, वो ये भी वहाँ चातुर्मास्य था महात्माओं का, बस महात्माओं से जुड़ गए, फूल वगैरह ले आते थे और सब देखते थे, है ना, सेवा करते रहते थे। जैसे वे माला फेरते हैं वैसे वह फेरे, जैसे वे शंकर जी को बिलपत्र चढ़ाते हैं वैसे वह चढ़ावे। तो ये क्या हुआ, अपने जीवन में महान औषध का सेवन हुआ। औषध नहीं, महान औषध। क्यों, गोपियों का अपने जीवन में, अपने शरीर में, अपने मन में, वचन में जैसे कोई औषधि का वह उपयोग करता है, ऐसे श्री कृष्ण का उपयोग था। इसका नाम है भक्ति। ये क्या करेगा फिर से आगे महाराज जी बताएंगे। लोग छोटी छोटी बातों में फंसे हुए हैं, वे समझते हैं कि यही सब कुछ है। इन दो वाक्यों द्वारा इस समय की जो स्थिति है वो बता रहे हैं। लोग छोटी छोटी बातों में फंसे हुए हैं और वे क्या समझते हैं कि यही सब कुछ है। आजकल बड़े बूढ़े सत्संग में जाते हैं और बच्चों को कहते हैं कि नहीं तुम्हारी बुद्धि कच्ची है, मानो बच्चे तो सत्संग में जाकर बिगड़ जाएंगे और खुद बनने के लिए जाते हैं। यहाँ महर्षि व्यंग से बोल रहे हैं, है ना, इस प्रकार कह रहे हैं कि तुम्हारी बुद्धि कच्ची है, है ना, हमारी पक्की है, तो ऐसे कहते हैं मानो कि बच्चे तो सत्संग में जाकर बिगड़ जाएंगे और खुद बनने के लिए जाते हैं। असलियत क्या है, असली बात अगले वाक्य में कह रहे हैं। बड़े बूढ़ों के लिए सत्संग नहीं होता है, बच्चों के लिए ज़्यादा जरूरी होता है। बच्चों पर जो सत्संग का संस्कार पड़ेगा वह तो उनको बुढ़ापे तक काम देगा, है ना। तो ऐसे बताते हैं कि ये जो कुम्हार मटका बनाता है तो मिट्टी है, मिट्टी से मटका बनाया और उसको ध्यान में आया कि अरे अभी मटका कच्चा ही है, कि मटका नहीं, ऑर्डर तो सकोरे का और कुल्हड़ का है, है ना, मटका तो बाद में बना लेंगे। तो उस कच्ची मिट्टी से मटके को बिगाड़ के कुल्हड़ सकोरा बन जाएंगे, पर वही मटका धूप में पका दिया या आवा में पका दिया तो अब वो उसका कुल्हड़ सकोरा नहीं बनेगा। तो जो बचपन की अवस्था है, हमारे शर्मा जी भी इस पर बहुत जोर देते हैं कि सत्संग में आजकल जवान लोग तो दिखते ही नहीं, सब बूढ़े दिखते हैं, तो है क्या। इसलिए रमणानंद जी स्कूलों में जाके बच्चों को ये संस्कार देने के लिए उनका ये अभियान है कि 1000 इस प्रकार का सत्संग हम करेंगे। 800 से ज़्यादा उनका हो गया है, हम भी गए थे यहाँ उनके साथ, तो बड़ा बढ़िया, कहानियों के माध्यम से बच्चों को फिर प्रश्न भी पूछते हैं तो लोगों को बड़ा लगा रहता है कि हम प्रश्न का उत्तर दें। तो बहुत ही अच्छी हमने देखी उनकी जो शैली। तो क्या है कि बच्चे जब जाएंगे तो महाराज से कह रहे हैं कि बच्चों पर जो सत्संग का संस्कार पड़ेगा वह तो उनको बुढ़ापे तक काम देगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बच्चे अभी कच्ची मिट्टी के जैसे हैं, उनको अंग्रेज में कहते हैं मोल्ड, यानी उनको अभी हम जिस प्रकार चाहते हैं उस प्रकार उसको गढ़ सकते हैं, पर जो बड़े बूढ़े हैं वो तो पक्के हैं, अब वो तो कोई बदलने वाले हैं नहीं, कितना ही सत्संग सुने, है ना, वो उनकी जो धारणा है वो वही रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। इसलिए महाराज जी कह रहे हैं कि बड़े बूढ़ों के लिए सत्संग नहीं होता है, तो बड़े बूढ़ों में भी कौन इसका लाभ ले रहे हैं, जिनकी बचपन से सत्संग, बचपन से जो सत्संग से जुड़े हुए हैं वही लोग इसका लाभ ले पा रहे हैं। जिन्होंने बचपन में सत्संग नहीं किया और अब बुढ़ापे में कर रहे हैं तो वो तो अपने, इसीलिए कहते हैं ना बच्चों को कि भाई ये हमारी बुद्धि तो पक्की है, तुम्हारी कच्ची है, तो तुम ऐसे सत्य बोलने लग जाओगे,
चोरी नहीं करोगे इनकम टैक्स की तो तुम्हारा काम कैसे चलेगा। तो ये इसीलिए महाराज जी को धर्म के पालन के बारे में कहा कि अगर वो धर्म पालन करता है तो लोगों का विश्वसनीय हो जाएगा। समय तो लगेगा, पर भले लोग स्वयं ऐसे नहीं हैं पर उस पर ज़्यादा विश्वास करेंगे कि ये अपने वचन का पक्का है। तो एक होता है आचार विचार, है ना, उसमें भी ईमानदारी, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है ना। आज जो नई पीढ़ी है वो इनको ज़्यादा नहीं ढूंढ रही है कि महात्मा कौन है या अध्यात्म में कौन आगे बढ़ा हुआ है, अरे सच्चा इंसान कौन है। आज जो नई पीढ़ी की खोज है वो इसको ढूंढ रही है कि कोई ऐसा व्यक्ति तो हमको मिले जिसका वचन का पक्का हो, है ना, जीवन में सत्य का आचरण हो, बोल कुछ रहे हैं कर कुछ रहे हैं, है ना। एक जने ने कहा हमको कि झूठ बोलना ये मोबाइल सिखाता है, क्योंकि मोबाइल बताता है कि ऐसे बोल दो, हम यहाँ नहीं हैं, है ना। तो देखिए क्या, यानी वो जो रमणानंद जी कहते थे ना, कुएं में भांग नहीं है, हवा में ही भांग हो गई, तो हवा में भांग हम देख ही रहे हैं। तो इसलिए बच्चे जो हैं वो तो जब इन बातों को समझेंगे कि भाई इतनी ज़रूरी हैं और उनके हृदय में ये संस्कार जग गया, तो वो तो आगे भिक्षु शंकरानंद जी का आया है, महाराष्ट्र ने लिखा है कि बचपन में ही उनको ये संस्कार पड़ गए, और पहले था ऐसा, हर एक हिंदू घर में ये संस्कार दिए जाते थे, धीरे धीरे अब सब चौपट हो रहा है। तो भिक्षु शंकरानंद जी ने 12-13 साल की उम्र में ही घर छोड़ दिया, चले गए, सब कुछ छोड़ के। तो बच्चों पर जो सत्संग का संस्कार पड़ेगा वह तो उनको बुढ़ापे तक काम देगा। अब उनका जीवन देखें, अंत तक उनको विष दे दिया गया फिर भी कुछ नहीं। कहते थे साहब कि जो लोग ये महंत मंडलेश्वर जो लोगों को जनता को गुमराह कर रहे हैं इसलिए मैं उनका विरोध करता हूँ। वो डरे नहीं, वो बहुत उनके शत्रु बन गए, है ना, पर उनको लगा कि मुझे जो कार्य करना है, जो ठाकुर जी की प्रेरणा थी, निर्भीक होके किया उन्होंने। और महर्षि कहते हैं कि विष वाली स्थिति में भी विष पचा लिया उन्होंने, पर उनका ललाट चमकता था, उनके चेहरे पे कोई दुख नहीं था, ग्लानी नहीं थी कि हमारे साथ लोगों ने ऐसा किया, वो सब जानते थे। तो ये जो दृढ़ता आती है वो कब आएगी, जब बचपन से। इसलिए आज का शीर्षक है सत्संग बच्चों के लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब अंतिम दो पैराग्राफ। तो यह भक्ति जो है यह सेवा है, भक्ति का अर्थ होता है प्रेम। तो प्रेम में व्यक्ति सेवा करेगा ही करेगा, कोई ऐसा व्यक्ति है ही नहीं जिसको आप कहो कि भाई उसका प्रेम तो है पर वो सेवा नहीं करता, प्रेम सेवा करवा लेता है। तो ये जो भक्ति है, ये जो भक्ति जो है ये सेवा है, यह उन लोगों की सेवा है जिनके अंतःकरण में कोई राग है, द्वेष है, कोई शोक है, जहाँ रोग है वहाँ भक्ति प्रवेश करती है और जाकर वहाँ राम कृष्ण अथवा शिव का चिंतन, सगुण ईश्वर का चिंतन ऐसा हृदय में ले आती है कि हृदय की एक एक गंदगी धुल जाए। फिर से इसको कह रहे हैं, ऊपर भी कहा था कि ये तीन चीज़ें मिल जाएं तो जीवन के सब कषाय कलमशों को मिटा देते हैं। फिर से उसको महर्षि दोहरा रहे हैं कि अगर ये भक्ति आ जाए जीवन में तो हृदय की एक एक गंदगी धुल जाए। तो ये क्या है, इसको सेवा क्यों कहा, क्योंकि ये जो भक्ति करने वाला है उसके हृदय में जो प्रेम जागृत होता है तो वो सहज ही सेवा करने लगता है, उसका जीवन ही सेवामय हो जाता है। तो वो जो सेवामय है उसमें फिर क्या है, ये जितने विकार हैं, शोक हैं, रोग हैं, द्वेष हैं, राग हैं, तो भक्ति जब वहाँ प्रवेश करती है तो ये सब अपने आप धुलने लगते हैं। क्यों, क्योंकि अब उसका चिंतन जो है, अब संसार का चिंतन नहीं रहा, संसार का चिंतन ही राग द्वेष पैदा करता था, अब उसकी जगह क्या आ गए, भगवान आ गए। तो राम कृष्ण अथवा शिव का चिंतन, है ना,
सगुण ईश्वर का चिंतन, जब देखो तब वो ठाकुर जी का नाम ले रहा है और अपना सेवा कर रहा है। तो ये पता नहीं आप लोग थे कि नहीं, एक आया था लड़का शशांक के समय में, शशांक के समय में शायद यहाँ लोग नहीं थे, तो शशांक करके गुड़िया लड़का था, तो वो बड़ी सेवा करता था। अब वो दूसरा एक ऐसा भगत जी आ गया, महाराज इतनी सेवा करे, 3 बजे उठ के झाड़ू लगावे और बस अपना भजन करे। अब थोड़ा राग द्वेष तो होता ही है, ईर्ष्या होती है, तो शशांक को लगा अच्छा वो कुछ लेता नहीं था। गोपालगढ़ में रहा 5-6 महीने, पर वो शशांक ने रहने नहीं दिया, क्यों, ईर्ष्या के कारण। अब वो तो कई वर्षों से था शशांक और थोड़ा तेज भी था, तो उसको बहुत अपमानित किया। अब वो बेचारा रहे तो कैसे रहे, कम से कम उसको भजन करने दे और सेवा करने दे, है ना, तो नहीं करने दी। तो कहने का अर्थ ये है कि जो भक्ति जब प्रवेश कर जाती है, कहता था हमको कुछ नहीं चाहिए, कोई ये नहीं कि भाई हमको वेतन चाहिए, या अपना भजन करता था या भोजन जो देते थे उसमें रहता था, ये केले के पेड़ है उसके नीचे उसने आसन बना रखा था, वहीं बैठ के अपना मंत्र जप करता रहता था। तो ऐसे ही इसमें होता क्या है कि वो राम कृष्ण अथवा शिव का चिंतन, सगुण ईश्वर का चिंतन ऐसा हृदय में ये भक्ति ले आती है कि हृदय की एक एक गंदगी धुल जाए, है ना। अगर यहाँ ठाकुर जी चाहते तो रह लेता, पर चलो ठाकुर जी ने सोचा होगा कि उसका कहीं और ही था दाना पानी। इसलिए जीवन में भक्ति की खास जरूरत है। तो ये जो उद्धव ब्रजगमन में महर्षि दिखा रहे हैं कि उद्धव के जीवन में ज्ञान तो था, पर ये जो भक्ति देखी गोपियों की जीवन की, उससे उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। इसीलिए अंत में उद्धव जी कह रहे हैं, तो गोपियों का जीवन धन, उनका प्राणेश्वर, उनका प्राण सर्वस्व, उनके मुख में कृष्ण 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 बनकर बैठ गया। ये तो उद्धव जी ने अपनी आँखों से देखा ना, जो 6 महीने ब्रज में रहे, तो क्या देखा कि भले वो मथुरा में थे ठाकुर जी, पर उनका जो जीवन धन यानी भगवान कृष्ण, उनके प्राणेश्वर, उनका प्राण सर्वस्व, उनके मुख में कृष्ण 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 बनकर बैठ गया। उद्धव जी कहते हैं, हमें तो इन गोपियों के चरणों की धूली मिले वही बहुत है। नारायण 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 नारायण। श्री राम जय।